अफगानिस्तान के एकमात्र मुक्त प्रांत पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच काफी जंग हुई। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई, तालिबान ने आखिरकार पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने पंजशीर के कुछ प्रमुख कमांडर्स को मारने का दावा भी किया। इसी बीच अफगानिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के घर पर भी हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। हालांकि इस हमले में सालेह बाल बाल बच गए और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार को लड़ाकों ने पंजशीर के कई शीर्ष कमांडर को मार गिराया। इनमें सबसे प्रमुख फहीम दश्ती हैं। पत्रकार रह चुके फहीम पंजशीर के प्रवक्ता भी हैं। उनके अलावा मसूद परिवार से जुड़े कमांडर्स भी मारे गए। इनमें गुल हैदर खान, मुनीब अमीरी और जनरल वदूद भी शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि उनके लड़ाके पंजशीर गवर्नर के दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद काबुल में जश्न में हवाई फायरिंग भी हुई। तालिबान को सपोर्ट करने वाले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी पंजशीर के पतन का उल्लेख कर रहे हैं। पंजशीर घाटी में बीते कुछ दिनों से गोलीबारी और बम धमाके की खबरें आ रही हैं। एनआरएफ भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में 40 से ज्यादा तालिबानी मारे गए, जबकि 19 तालिबानियों को पंजशीर की सेना ने गिरफ्तार किया है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर और ड्रोन विमान लगातार पंजशीर घाटी में तालिबान की मदद के लिए बमबारी कर रहे हैं। इस दौरान अमरुल्ला सालेह के घर को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले के बाद अमरुल्ला सालेह पंजशीर के पहाड़ों में कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। यह पाकिस्तानी हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज इन दिनों काबुल के दौरे पर है। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान की तरफ से लड़ रहा है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान लड़ाकों को हवाई सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना पंजशीर में ड्रोन से हमले कर रही है। रविवार को ही ISI प्रमुख हमीद फैज ने तालिबान को अपना समर्थन दिया था। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।